ये अननोन नंबर सब किसका किसका ये है किसका बॉयफ्रेंड है समझ गई इसके साथ घूमती हो रोज ये सारे लड़के लोग के नाम है ब्यूटीफुल सच बताओ कॉल लगाऊं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं महजबीन और आज मैं करने वाली हूं आपके डिमांड पे वो स्पेशल वीडियो जिसने मेरे पूरे कमेंट सेक्शन को भर रखा है जहां देखो एक ही चीज लिखी है प्लीज अपनी मम्मी से अपना फोन चेक कराओ प्लीज अपनी मम्मी से अपना फोन चेक कराओ बस करो ना इतना कमेंट किया आप लोगों ने कि मेरी मम्मी ने खुद पढ़ लिया वो कमेंट और वो यहां आटप किए तुम्हारे तो मनोकामना पूरी हो रही है बिल्कुल बहुत दिन से इस दिन का इंतजार था आज आप लोगों ने पूरा किया तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा होनी चाहिए मनोकामना तो मेरी पूरी हुई है भाइयों और बहनों क्योंकि ये चीज मैंने पहले करी और आप लोगों का कमेंट डालना करो 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 चलो चलो पूरी दुनिया चाहती थी कि मेरा फोन चेक हो वैसे मेरे फोन में कुछ है नहीं अच्छा पहली बात तो हम अम्मी को टेस्ट कराते कि अम्मी को मेरे फोन का पासवर्ड भी पता है या नहीं चलो पहले मुझे देखने तो कुछ ऐसा वैसा है तो नहीं मेरे फोन में ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो पहले चेक करके सब कुछ करके दो क्या बोला तूने अभी से ये फोन तुम्हारा हुआ और बजा लो मेरी बैंड बैटरी तक खत्म है कितना यूज करती है जो बैटरी तक इसका इतना हमें जब भी देखते हैं तो इतना ऐसा बैटरी इसको मिलता है अच्छा ओह माय गॉड अम्मी को पासवर्ड पता है खोल लिया यार ओ भाई सबसे पहले तो इसका मैं व्हाट्सएप चेक करूंगी कि बहुत जमाना हो गया इसका व्हाट्सएप चेक किए हुए तू तो गया बेटे ऐसे कभी खोल लेते थे लेकिन ये समझो एक साल झूठ बोलो हो गया अम्मी यार इसे झूठ मत बोलो सच में सुसुईटी सच एकदम ये बात एकदम सच है टूटा हुआ साज हूं मैं देख लो 73 मैसेज है ठीक है समरिया किसका मैसेज जो नहीं चेक करी तुम कुछ तो बोलो पहले अम्मी स्टेटस पे ही पहुंच गई वाह पहले देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या सोच है रे तेरी इसमें तो सारे जानने वाले लोग हैं जिसको हम जानते हैं कोई नहीं है ये सब काम वाले ही लोग सब हैं सारे देख लो तुम एक बार भैया का सिर्फ सज्जा का एक बार काम वाले हैं या कुछ और काम है यार ये तो कुछ ही बोल रही है ये जो मेहंदी एक बार लगाने आई थी ना वो देख लो खोल के क्या पता कोई और तो ये जेंट्स का नाम लिखा हुआ अरे वो है कशफ कशफ वेरी डेंजरस यही नहीं अभी और सुनिए लड़की है तू ही छा गया ये सारे लड़के लोग के नाम है लड़का लोग कौन है तुम तो कभी नहीं लड़का लोग अरे यार बजाएगा ना भिड़ो ये सब काम वाले लोग ये मोहसिन जो मेरा हेयर कलर करते वो है ये विनय फॉरएवर जो समीन का एक बार बैग खोया अच्छा, था हेयर कलर की बात करती हो क्या अबे पागल यार कैसी बात करे यार गाइस यहाँ काम काम करते करते धाम धाम हो रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है ये आग लगा रही है मतलब ये लड़की सबको अपनी चाल और ढाल अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है बहुत शातिर लड़की है ये अपने उसने फंसा रही है सबको अच्छा ये विनय फॉरएवर कौन है ये है ये विनय फॉरएवर अपनी इसका बॉयफ्रेंड है ये बिना फॉरएवर ही बॉयफ्रेंड है सच सच बता दो अम्मी यार तुम चैट खोल के देख लो क्या बात है इससे ब्यूटीफुल थैंक यू नाइस हर एक फोटो पर तुम्हारे क्या ये तुम लोग क्या कर रही हो तुम लोग मत बोलो अम्मी यार अम्मी समीन आग लगा रही है वो है लड़का जो समीन का बैग खोया था एक बार तो डीएलएफ से ला कर दिया था वो फॉरएवर 21 में उसी के बाद से बात होने लगी पागल यार फॉरएवर 21 में गाइस समीन का बैग हो गया था तो वो स्टाफ है वहाँ का तो उसने हमारी हेल्प की थी तो वो लेकर आया था बेटी तुम्हारे पास शक हो रहा है साला ये दुख का खत्म होता बे पता नहीं तुम्हारे एक चीज को बोली स्पॉन्सर है ये जानने वाला है तो ये है वो है सारे चीज में तुम अपना बताते रहो ये भी अननोन नंबर है ये अननोन क्यों अननोन एक बार मेरा नंबर रिवील हो गया था तो अननोन आने लगा था बहुत सारा झूठ बोल रहा है मेरा नंबर कौन है गुड मॉर्निंग जी है बकरी ऑनलाइन है अभी भी पता नहीं गाइस इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो मेरा ना इसको ब्लैक लिस्ट में डालो ना अब तुम्हारा स्टेटस है या कुछ है वो स्टेटस देखने लायक नहीं है ये लोग लड़के से बात करके लड़के को ब्लॉक कर दे मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय
बात कर करके गलत बात है, किसी से बात करना गलत बात होता है आजकल, जानती हो कि अम्मी यार वो झूठ बोल रही है, आग लगा रही है वो, आग इतना आग लगाने इतना तुम्हारे साथ तो रहती है वो, उसको भी पता होगा तुम्हारा। अगर अपने माँ बाप को आप खुद ब खुद जाकर आप बता दो, दोस्त समझो कुछ भी हो तो अपना बता दो, अच्छी बात है, छुपाना अच्छी बात नहीं है, कोई पिटाई नहीं है, जब अगर बता दो आप तो कोई पिटता नहीं है। देखो मैं एकदम साफ सुथरी और बहुत ही प्यारी, सब लोग सब बोलते हैं कि साफ सुथरी है और बहुत। चलो तो पहले इंस्टाग्राम चेक करके देखती हूँ क्या क्या फोटो। एक मिनट, क्यों देखने तो दो। ये कर लो पहले, अब देखी नहीं हुई हो, देखती नहीं थी, नहीं एक बार चेक करने दो पहले, सेटिंग आज तो नहीं ली हो तुम मोबाइल, एक सेटिंग देखना, सेटिंग क्या है इसमें, तुम्हारे अच्छे से दिखेगा बड़े बड़े वो, अभी ना मी के तुम्हारे आँख है इधर का, ये वाला नहीं देखे, ये कौन सा है पता नहीं, ये फंस गया सी है। पहले तो समरीन अली है, फिर इसकी बहन है मोनी। अच्छा जी, यहाँ तो बातें साते भी हो रही है, कौन है भाई? कोई नहीं है, जो जिससे मिलने गए थे जिशान। अच्छा मतलब जसलीन। जसलीन छी फालतू तस्वीर। तो और क्या होता भाई, इंस्टा पे तो ये सब चीज भेजते हैं ना फालतू की चीजें, कौन नहीं भेजता। ये कौन है, अबू बकर? ये भी मेरा फ्रेंड है। अबू बकर के बारे में तो कभी नहीं बोली तुम, बताया था एक बार, तुम शायद भूल गई हो, ये मतलब पाकिस्तानी फ्रेंड है। तो सबसे ज्यादा तुम इसी को वीडियो भेजती हो, और इसके साथ भी यही चीज है, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को वीडियो ही भेजते रहते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, उधर से उसकी तरफ से चार आते, मेरी तरफ से चार जाते हैं, और उसके बाद सारे मीम पे हम रिप्लाई करते हैं, रिव्यू किस पे कैसा लगा। तो अब इसका स्नैपचैट देखना है, ये बढ़िया था। उसमें क्या है, दो चीज में तो कुछ भी नहीं था, ये फोटो अच्छी आ रही है, ठीक है। तो खींच मेरी फोटो, मैं भी भाई साहब बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, वही सेम है जो इंस्टा पे है, देख लो बात तो सही है। नहीं इसमें तो सिर्फ एक ही दो नंबर जो मुझे पता है कि जानने वाले के हैं, बाकी तो सब। अच्छा बताना कौन कौन है, कौन कौन अनोन बताओ। सैम है, तो ये अबू बकर है, मोहसिन है, जिसान है, अनंतिया है, वंश, जे क्या नाम है, जे है। इतना शॉर्टकट नाम लिखने का क्या मतलब है? अरे लिखने का नहीं, ये स्नैपचैट पे ही होता है सेटिंग कि वो खुद से नाम लिखे, तो इसलिए जे से है। जे से क्या होता है? जे से जावेरिया नाम है, लड़की है। लड़की है या लड़का? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लड़की है, लड़की जावेद भी हो सकता है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कितना दिमाग है। उरुबा अख्तर, उरुबा अख्तर मेरी फ्रेंड है, ये लड़का का नाम है अख्तर। अरे उरुबा तो लड़की का नाम है अम्मी। नहीं कुछ है सच तो बता देना भाई। मगर क्यों तुम सब में मुझे टटोल तिल जा रही हो? क्या करूँ मैं यार, अम्मी तो समीन से ज्यादा मेरे पे शक कर रही है सच में, समझ रहे हो? अरे यार अम्मी तो मेरे फ्रेंड्स के मैसेज में घुस के स्नैपचैट ही देखने लगे। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार, नहीं देखते है ना, किसी का भी आता है तो क्या आता है नहीं आता पता नहीं चलता, इनको क्या ही पता है। इतना ध्यान जब हाथ लगा है मोबाइल तो लगे हाथ देख लेते हैं क्या है। लड़का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में सच में, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया स्नैपचैट में तो कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम मिल नहीं देगा तुमको, भूल जाओ। तो भाई अब मैं चश्मा लगा कर थोड़ा सा कहीं क्लियर ज्यादा पता चले। वाओ वेरी डेंजरस। ये दो बीच की उंगली ऐसे रखो, वो निकालो, अब ऐसे करो। इसका कॉल चेक करते हैं, मैं सबसे बात कम बात करती हूँ फोन पे, ये तो मुझे भी पता, लेकिन मेरे सामने कहीं करती होगी कम। यारी समझ नहीं। ऋषभ का है, ऋषभ को तो जानती हूँ, ये सूर्य। अम्मी इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ी है? अच्छा हाँ समरीन में भी था। ये अननोन नंबर सब किसका किसका है यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा अभी, अननोन नंबर किसका था, इतना सारा अननोन है, एक में तो दो बार कॉल आया हुआ है, उठाई नहीं है तुम, साथ में रहती हो, कॉल इसका किसका किसके से बात करती है? आया होगा किसी का लड़का होगा कोई, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। यार समरीन तू कैसे उल्टा बोल सकती है ना यार, समरीन इतना सारा नंबर है, ध्यान तुमको वो बताए हुए हैं कि समरीन ध्यान अब से ध्यान रखोगी, है पहले से क्या कर रही थी? कॉल लगा कर देखे यार, स्विगी विगी वाला कोरियर वोरियर वाला, स्विगी वाला क्यों होगा, मजा नहीं आ रहा, सच बताओ कॉल लगाओ, मेरी जान। देखते है ना किसका नंबर आता रहता बहुत सारा।
यानी किसका नंबर था, डर से उठाया भी नहीं। अबे यार तो अम्मी इसको क्या पता कि तुम फोन लेकर बैठी हो, कौन है? नहीं मेरे को खुद याद नहीं आ रहा कौन है ये, फालतू में यार मेरे फालतू याद नहीं है, कॉल को यहाँ पे बहाना कर रही कि याद नहीं है। आखिरी चीज है फोटो, अब देखते हैं इसमें किसका किसका फोटो डाले हुई है, रखे हुई है। कुछ नहीं मिलेगा अम्मी, हार मान लो तुम, हार, ये इल्जाम हटा दो मेरे से। ठीक, कैसा कैसा तस्वीर है बताओ इसके पास, ये बुढ़ी सिगरेट पी रही है, इसका फोटो रखने का क्या मतलब हुआ? नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है इसके मोबाइल में, फोन में हिडन रिसेंटली डेटेड ये सब चेक करो ना। हिडन 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 भी तो होगा उसमें गैलरी में। चलो भाई पहली बार सुनना, हिडन क्या होता है? हिडन कुछ नहीं होता उसमें मेरा। चुप हो जा सातवीं फेल, देखने दो। देख कितना देखोगी, ये क्या किसका फोटो था हटा दी? ये किसी का फोटो नहीं, मेरा नहीं है ये। तुम्हारा ऐसा ड्रेस तो तुम ही पहनती हो, पीछे से बाल भी है तुम्हारा ही है। मेरा बाल ऐसा था, मेरा बाल तो सीधा है। कुछ भी पहले का होगा अम्मी, पहले का। वही तो हम भी बोल रहे हैं। अरे ये तो इसी का है, सीपी नहीं दिख रहा है पीछे, देखो ना। सीपी तो है नहीं, किसी बाहर वाले का फोटो है। नहीं अम्मी मेरा फोटो क्यों वो कर रहे हो, दिमाग मत खराब करो मेरा, बहुत टेंशन हो रहा है ये देख कर हमको। तो गुस्सा उठ रहा है कि अभी ये लड़का का नंबर होता अभी कॉल करके पूछते हैं इसे। लड़का बाहर का दिख नहीं रहा क्या? बाहर का थोड़ी है पूरा तुम्हारा ये ड्रेस, ऐसा ड्रेस तुम्हारे पास भी है स्वीटी, तुम इस तरह का काम, हमको पता था पहले से ही पता था कि इस दाल में काला जरूर कुछ है। जब तो इतने दिन से फोन अगले, अम्मी देना फोन, सच में ऐसा लग रहा है मेरा फोटो है। अरे यार अम्मी ये इंस्टा पे नहीं होता फोटो, वो उसका बस ऐसे स्क्रीन शॉट था ये। सच बता दो। हाँ इसके बाल का वो ना थोड़ा क्या हो गया था, क्या नाम है, थोड़ा बिजी हो गया था वो भी कलर वो। बता दो ये लड़का कौन है सच सच। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, समझ गई? इसके साथ घूमती हो रोज, जैसे वीडियो नहीं भी हमको, हम भी वीडियो करने जा रहे हैं। समीन तू तो चलती है यार मेरे साथ, तू बोल रही है यार ये तो बच्ची है, उसको क्या बच्ची है यार। समीन तू बता यार, समीन कब तक ऐसे करेगी फालतू में, कुछ शक हो रहा है यार मेरे पे, बोल यार। अरे अम्मी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अच्छा तुमको ही पटा ली, गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे नहीं अम्मी, ये देखो स्क्रीन शॉट, PNG स्क्रीनशॉट। तो ये सब नहीं करना, माँ बाप पर विश्वास रखो ना, तो इस तरह का काम कभी नहीं करना। चलो यार गाइस मैं बच गई, नहीं तो इस फोटो को लेकर तो मेरे सर पे एकदम टांडा पहाड़ सब टूट गया था। तो अब देख लो आप लोग क्या क्या था मेरे फोन में। अब आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इतनी रिक्वेस्ट की है तो भर भर के लाइक और कमेंट करके जाना, ठीक है? जो भी अपनी मम्मी से प्यार करता है वो लोग फौरन अपने कमेंट में मम्मी वाली इमोजी जो होती है ना उसे कमेंट में भर दो, और आई लव यू और या फिर जो भी आप कुछ कहना चाहते हो अपनी मम्मी को वो बोल दो फटाफट से, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो गाइस अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।